देखिए, रीजनिंग की हमने शुरुआत की, और हमने रीजनिंग की शुरुआत में अगर हम बात करते हैं तो हमने रीजनिंग की शुरुआत की थी। और रीजनिंग में सबसे पहले हमने कवर किया था क्लॉक को, यानी घड़ी को। और जैसा कि आपको पता है कि घड़ी की हमारी 4 क्लास कंप्लीट हुई हैं, और घड़ी की 4 क्लास में से गोविंद कुमार जी स्टार्ट करो सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्ले लिस्ट में डली हुई है, रीजनिंग की शुरुआत की थी क्लॉक से, घड़ी से। 4 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और 4 क्लास में बिल्कुल घड़ी को ऐसे ख़त्म कर दिया है जैसे कि कोई भी क्वेश्चन बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, आज हम कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे कैलेंडर को स्टार्ट, और कैलेंडर की आज जो है ये क्लास नंबर 1 है भाई। और ये क्लास जो पहली है ना, इसमें आज की क्लास में बेसिक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताए दे रहा हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनको मैं एक बार बताए दे रहा हूँ आपको कि आज की क्लास बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। आप सोचते हो कि केवल हमको समय दे दिया, तारीख दे दी कि उस दिन क्या बार होगा, तो उन चीज़ों पर आप सीधी जाने की कोशिश ना करें। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ कि वास्तव में जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, कौन सा पॉइंट कहाँ से आता है और क्यों आता है कैलेंडर के अंतर्गत, तो कैलेंडर के अंतर्गत जब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चनों को करने में। तो सबसे पहले आज की क्लास में, आज की क्लास का जो मेन उद्देश्य होगा, कैलेंडर कैसे बना, किसने बनाया, कहाँ से शुरू हुआ, क्या लीप वर्ष होती हैं, क्या सामान्य होती हैं, बिल्कुल बेसिक बातों से, बिल्कुल जीरो नहीं बल्कि माइनस से मैं स्टार्ट करूंगा। और जितनी भी क्लास होंगी कैलेंडर की, उम्मीद करता हूं उन क्लासों में से आपका दुनिया का कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बच करके जाए। बशर्त आप बने रहिए साथ, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक या अनलाइक इन दोनों में से कुछ भी कर दीजिए। तो बिना कोई देरी किए हुए प्रारंभ करते हैं। नाम डालते हैं हम कैलेंडर। क्लास कैलेंडर की नंबर 1, आज क्लास नंबर 1 में बात करेंगे कैलेंडर के बेसिक के बारे में कि आखिरकार इसका बेसिक जो है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम प्यारे बच्चों कैलेंडर के बारे में बात करते हैं, तो कैलेंडर होता क्या है इसको जान लेते हैं। तो देखिए, कैलेंडर ना तो कोई किताब होती है ना कोई कॉपी होती है, कैलेंडर एक प्रारूप होता है, और एक ऐसा प्रारूप होता है जो हमारा समय में एक तरीके से संबंध को स्थापित करता है, तारीखों में हमारे संबंध को स्थापित करता है, दिनों में हमारे संबंध को स्थापित करता है। उसी प्रारूप को हम कैलेंडर कहते हैं। और यह प्रारूप कहाँ पर दिया जा सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रारूप किसी भी नोटबुक पर दिया जा सकता है, किसी भी किताब में दिया जा सकता है। आज की डेट में तो आपको पता ही है कि मोबाइल की डिस्प्ले पर भी दिया जा रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कैलेंडर कोई किताब कॉपी नहीं, केवल एक प्रारूप होता है जो किसमें तारीखों में संबंध स्थापित करता है। उसी प्रारूप को हम क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। अब बात आती है कि कैलेंडर आखिरकार क्या, जब से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ क्या तब से कैलेंडर है? जी, तब से कैलेंडर नहीं है, तारीखों का मेंशन नहीं किया जाता था, लेकिन कुछ तो था, देसी कैलेंडर थे जिनका अगर हम नाम बताएंगे तो शायद वो सिलेबस से जुड़े हुए नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि कैलेंडर को बनाकर के किसने तैयार किया, 2020 चल रहा है जो हम कैलेंडर आज की डेट में यूज कर रहे हैं, ग्रीगोरियन कैलेंडर, उसको 2020 वर्ष बने हुए हो चुके हैं। और बात आती है कि इस कैलेंडर को बना करके जो तैयार किया गया वो किसके द्वारा किया गया, किन बातों को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर को बना करके तैयार किया गया, उद्देश्य इसके क्या रहे, इन सभी बातों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो कैलेंडर की आधारशिला के बारे में हम बात करते हैं कि कैलेंडर की जो आधारशिला रखी गई वो किसके द्वारा रखी गई। तो प्यारे बच्चों, कैलेंडर की आधारशिला जो रखी गई वो पोप ग्रेगरी के द्वारा रखी गई। इस कैलेंडर को जो बना करके तैयार किया गया वो पोप ग्रेगरी के द्वारा किया गया, और पोप ग्रेगरी नाम के व्यक्ति ने इस कैलेंडर को सर्वप्रथम, अगर हम बात करते हैं कि लागू किस पर किया था, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे, इस कैलेंडर को सर्वप्रथम जो लागू किया गया था, जिस नाम को कौन नहीं जानता, जीसस क्राइस्ट नामक व्यक्ति पर, जो कि क्रिश्चियन थे, जीसस क्राइस्ट नामक व्यक्ति पर इस कैलेंडर प्रारूप को सर्वप्रथम लागू किया गया। और जीसस क्राइस्ट नामक व्यक्ति के जन्म की तारीख 1 जनवरी
एक जनवरी और सन एक रखते हुए और दिन सोमवार। यानी कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैलेंडर की आधारशिला पोप ग्रेगरी नामक व्यक्ति ने रखी। कैलेंडर को सर्वप्रथम मैंने बताया, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक को कवर करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सब्र का फल बांध करके रहिए, क्योंकि मैं उसका एक रीज़न आपको बता रहा हूँ। फिलहाल उसका रीज़न क्या है, ओनली वन सेकेंड। हेलो जी, जी बस अच्छे हैं आप, बताइए कौन कहाँ से बताइए। तो ऐसा है कि मैं अभी लाइव सेशन पर हूँ, इस समय थोड़ा मेरा रीजनिंग का लेक्चर चल रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है। तो देखिए, जीसस क्राइस्ट नामक व्यक्ति पर जन्म एक जनवरी सन एक और दिन सोमवार रखते हुए सर्वप्रथम जीसस क्राइस्ट नामक व्यक्ति पर इसे लागू किया गया। पोप ग्रेगरी ने इसको बना करके तैयार किया। जिस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उस दिन की तारीख को एक जनवरी रखा गया, सन एक और दिन रखा गया सोमवार। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर बनकर के तैयार होता है कि किसी भी सप्ताह का सबसे पहला दिन सोमवार होता है। अब जैसा कि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप जानते हैं कि अब आप कहने लगे कि सर सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि इन नामों को ही क्यों रखा गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी खोजकर्ता, जितने भी आधारशिला जिन्होंने रखी जिन नामों की, चाहे मैं कहने लगा कि भाई कार्य की खोज जूल ने की थी तो अपना नाम मात्रक के रूप में रख करके चला गया जिससे उसे दुनिया याद करे, बल की खोज न्यूटन ने की बल का मात्रक न्यूटन अपना नाम रख के चला गया जिससे आजीवन उसको दुनिया याद करे। तो हो सकता है कि सोमवार मंगलवार बुधवार रविवार ये इनके परिवार के फैमिली के नाम हो, तो इस बात पर तो कोई चर्चा करने का मतलब है ही नहीं जिससे दुनिया उनको याद करे। तो मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूँगा, गुड आफ्टरनून रोहित बघेल जी, कि कैलेंडर पोप ग्रेगरी के द्वारा बना करके तैयार किया गया, लागू किया गया जीसस क्राइस्ट पर, उनके जन्म की तारीख एक जनवरी सन एक और दिन सोमवार रखते हुए। तो किसी भी सप्ते का सबसे पहला दिन ही क्या होता है, सोमवार। अब पॉइंट निकल करके आता है कि जब कैलेंडर को बना करके तैयार किया गया तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस कैलेंडर प्रारूप को बना करके तैयार किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि कैलेंडर को जो बना करके तैयार किया गया वो वर्षों को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर को बना करके तैयार किया गया, और वर्षों का बंटवारा पोप ग्रेगरी नामक व्यक्ति ने तीन रूपों में किया। एक किया गया साधारण वर्ष, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाइयों, एक किया गया सामान्य वर्ष। कैलेंडर को इन तीन वर्षों को ध्यान में रखते हुए बना करके तैयार किया गया, और एक रखा गया लीप वर्ष। बिल्कुल अगर आपने कैलेंडर को पढ़ लिया ना सही से, सारी की सारी क्लासों को अटेंड कर लिया, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखेंगी कि पापा जी कहाँ से पढ़ के आए थे। तो साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, सबसे पहला पॉइंट, आप लोग छात्रों की ये गलती होती है कि आप लोग कहते हैं कि साधारण वर्ष और सामान्य वर्ष एक जैसी होती हैं। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल देना, साधारण वर्ष और सामान्य वर्ष बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं। साधारण वर्ष के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा सामान्य वर्ष क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि साधारण वर्ष का मतलब होता है पृथ्वी जितने समय में सूर्य के चारों ओर अपनी एक परिक्रमा पूरी करती है, एक परिक्रमा पूरी करने में जो लगा हुआ समय होता है वह साधारण वर्ष होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसकी गतियां जो होती हैं, उसकी जो मोशन होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक सर्कुलर मोशन होती है जिसे वृत्तीय गति कहते हैं, एक रोटेटरी मोशन होती है जिसे हम कहते हैं घूर्णन गति। यानी कहने का मतलब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा करने की कोशिश करती है या करती है, कोशिश क्या करेगी, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय पृथ्वी की कंडीशन क्या होती है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परतः घूमते हुए, अपने अक्ष के परतः घूमते हुए, रोटेट होते हुए परिक्रमा करती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष के परतः घूमती है तो लगभग उसको एक चक्कर पूरा करने में, जैसे गेंद घूमती है ना इस तरीके से, एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। और जो 24 घंटे का समय लगता है उस 24 घंटे में 12 घंटे में दिन और 12 घंटे में रात होते हैं। जो भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ पर दिन होता है 12 घंटे में, और जो भाग सूर्य के पीछे होता है वहाँ पर रात होती है। लेकिन पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगता है उसको बोला जाता है साधारण वर्ष। क्या बोला जाता है? साधारण वर्ष।
और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसी के अकॉर्डिंग ऋतुओं का बदलाव होता है कि मौसम कैसा है, मौसम कैसा है, मौसम कैसा है। तो मैंने आपको बताया कि सामान्य वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में कभी एक ही बात सोचने की कोशिश मत करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साधारण वर्ष के बारे में, फिर आएंगे हम सामान्य पर और फिर आएंगे हम लीप पर। तो आज बिल्कुल बेसिक बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों साधारण वर्ष के बारे में। और साधारण वर्ष जो है वो होती क्या है, मैंने अभी आपको बताया पृथ्वी जितने समय में सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करती है वह समयकाल एक साधारण वर्ष के बराबर होता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में न तो 365 दिन का समय लगाती है और न ही 366 दिन का लगाती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में जो समयकाल लगता है प्यारे बच्चों वो लगता है 365 दिन प्लस 5 घंटे प्लस 48 मिनट प्लस 47.5 सेकेंड। यानी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड का समय लगता है। अगर हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना चाहें दिनों में तो प्यारे बच्चों आपका जवाब होगा 365 दिन प्लस, अगर ये 5 घंटे हैं घंटे से दिन में तब्दील करेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 का यहाँ पर भाग कर देंगे तो ये भी क्या बन गए घंटे, और प्लस 48 अगर ये मिनट हैं तो एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 का भाग कर दें तो घंटा बन जाएगा, अगर एक 24 का और भाग कर दें तो दिन बन जाएंगे, तो ये भी हमारे दिन तब्दील हो गए। 47.5 का मतलब 95/2 हो गया, ये यहाँ पर सेकंड है। अगर 95/2 से अगर हम इसमें 60 का भाग कर दें तो मिनट बन जाएगा, अगर हम एक और 60 का भाग कर दें तो घंटे बन जाएगा, अगर एक 24 का भाग कर दें तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, दिन बन जाएगा। तो ये भी दिन, सॉरी यहाँ पर ये दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी दिन, ये भी दिन, ये भी दिन, ये भी दिन, अगर हम इनको कैलकुलेट करने फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर के आते हैं प्यारे बच्चों तो ये हमारी वैल्यू निकल के आती है 365.2422 दिन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365.2422 दिन लगते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लगभग 365 दिन का समय लगता है। अब जब 365 दिन का समय लगता है तो पोप ग्रेगरी ने जब इस कैलेंडर को बना करके तैयार किया तो ये जो 365 दिन है ये एक चौथाई दिन जो बाद में हमको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये इस कैलेंडर को बनाने में परेशानी कर रहा था। इसी वजह से इस चौथाई दिन को कैलेंडर से निकाल दिया गया और एक वर्ष में सबसे पहले 365 दिन रखे गए, और जिस वर्ष में प्यारे बच्चों 365 दिन रखे गए उसी वर्ष को यहाँ पर नाम दिया गया सामान्य वर्ष। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सामान्य वर्ष में तो फिक्स 365 दिन होते हैं लेकिन साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। अब यहाँ से अगला पॉइंट ये निकल करके आता है कि सर अगर इसने साधारण पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जितने समय में अपनी परिक्रमा पूरी करती है अगर उतने ही समय में से अगर ये एक चौथाई दिन निकाल दिया गया और 365 दिन रखे गए तो हमको एक बात यहाँ पर ज्ञात होगी कि जैसे ही पहली वर्ष आएगी उसमें 365 दिन रखे गए तो इसका मतलब एक चौथाई दिन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो प्यारे बच्चों अगर दूसरी वर्ष आएगी अगर उसमें भी पॉप ग्रेगरी 365 दिन रखता है तो फिर एक चौथाई दिन को कम करेगा, तो एक चौथाई और एक चौथाई इसका मतलब दो चौथाई यानी आधा दिन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आधा दिन बाहर हो गया। अब यहाँ पर अगर तीसरी वर्ष आई तो प्यारे बच्चों 365 दिन रखे गए फिर एक चौथाई दिन गायब जाएगा, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि तीन चौथाई दिन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर चौथी वर्ष आई अगर पॉप ग्रेगरी यहाँ पर भी 365 दिन रखता तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक दिन गायब हो जाता, और अगर एक दिन गायब हो जाता प्यारे बच्चों तो इसका तात्पर्य आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि हर तीन वर्ष के बाद में चौथी वर्ष में जाकर के अगर एक दिन गायब होता तो कुछ समय के बाद कैलेंडर का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। इसी वजह से जिस चौथी वर्ष में जाकर के एक दिन कम हो रहा था उसी वर्ष पर आकर के कैलेंडर को संतुलित किया गया और यहाँ पर 365 की जगह 366 दिन रखे गए, यानी जो दिन पूरा कम कर दिया गया था उसको यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो प्रत्येक तीन वर्ष के बाद में जो चौथी वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 366 रखी गई उसी को नाम दिया गया लीप वर्ष। तो जिस वर्ष में 366 दिन रखे गए उसी को नाम दिया गया प्यारे बच्चों कौन सी वर्ष, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। विक्रम राम 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 जी, राम राम जी विक्रम राम जी, राम राम।
तो दिनों की संख्या 366 होती है। अब आप सोच रहे होंगे चार वर्ष से अगर हम पांचवी वर्ष पर जाएंगे प्यारे बच्चों, तो पांचवी में फिर 365 रखे जाएंगे। अगर 365 रखे जाएंगे तो इसमें से फिर एक चौथाई कम होगा, और इसके बाद जैसे ही हम छठी वर्ष पर आएंगे फिर 365 रखे जाएंगे, और जब 365 रखे जाएंगे तो एक चौथाई कम होकर के आधा दिन कम हो जाएगा। फिर सातवीं वर्ष आएगी तो फिर 365 रखे गए, फिर तीन चौथाई दिन कम हो गया। अगर अब आठवीं वर्ष आएगी तो फिर एक दिन कम हो जाएगा, तो फिर उस दिन को यहाँ पर बढ़ा करके लिख दिया गया, 366 कर दिए गए, फिर इसका नाम लीप वर्ष हो गया। तो पहली लीप वर्ष 4, दूसरी लीप वर्ष 8 हो गई, तीसरी लीप वर्ष क्या हो गई 12, चौथी क्या हो गई 16। तो वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में अगर दिनों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो प्रत्येक महीने में बिल्कुल समान दिन होते हैं, केवल फरवरी का महीना ऐसा होता है जिसमें लीप वर्ष में केवल एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। अनिल भारद्वाज जी, राम राम मास्टर, राम राम, और कैसे हो? आई होप यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर साधारण वर्ष में 365 दिन, सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन इस बात को समझने से पहले मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बारे में बात करूँगा, और वो बात क्या है उसे ज़रा ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। यहाँ से आप ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, मैं आपसे जी रोहित कुमार बघेल जी, सौर वर्ष का मतलब वही हो गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसी को सौर वर्ष कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं साधारण वर्ष। तो बात एक ही है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में जो लगा समय होता है उसको हम क्या कहते हैं सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक नाम इंक्लूड करता हूँ और एक नाम वो इंक्लूड करता हूँ, विषम दिन। विषम दिन आखिरकार हम किसे कहते हैं, जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रत्येक हफ्ते में दिनों की संख्या 7 होती है, और हर 7 दिन के बाद जो 8वां दिन निकल करके आता है, राधे राधे आविद मलिक जी, राधे राधे, तो हर हफ्ते के बाद में उसी दिन की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ तारीख डालने की कोशिश करता हूँ, मैंने तारीख एक लिया, मैंने दो लिया, मैंने तीन लिया, चार लिया, पाँच लिया, छः लिया, सात लिया, आठ लिया, नौ लिया। तो ज़रा प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, अगर मैं एक तारीख का सोमवार लेता हूँ तो दो का मंगलवार होगा, तीन का बुधवार होगा, चार का बृहस्पतिवार होगा, पाँच का शुक्रवार होगा, और छः का क्या होगा शनिवार होगा, और सात का क्या होगा रविवार होगा, और फिर आठ का क्या होगा सोमवार होगा। तो मैं आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर 7 दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद में वही दिन आ जाता है जो उस हफ्ते का पहला दिन होता है। जैसे एक तारीख का सोमवार था तो यहाँ पर 8 तारीख का सोमवार हो गया। अब आप यहाँ पर एक बात सोचने की कोशिश करेंगे कि एक से लेकर के अगर हम 8 तारीख तक जाते हैं तो सर यहाँ पर दिन तो ये 8 हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि सदैव दो तारीखों के बीच में एक दिन होता है, तीन तारीखों के बीच में दो दिन होते हैं। अगर आज हमारी तारीख कितनी है, अगर आज 5 अप्रैल है तो 5 अप्रैल से 6 अप्रैल तक एक दिन कंप्लीट होगा, 5 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। आज 5 अप्रैल 12 बजे से अगर आप लगाते हो तो 6 अप्रैल 12 बजे तक एक दिन, 7 अप्रैल 12 बजे तक दो दिन, 8 अप्रैल 12 बजे तक तीन दिन, 9 अप्रैल 12 बजे तक चार दिन। तो तारीख तो 5 है लेकिन दिन 4 हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि हर दो तारीखों के बीच में सदैव दिनों की संख्या 1 होती है, हर 50 तारीखों के बीच में दिनों की संख्या 49 होगी, और हर 100 तारीखों के बीच में दिनों की संख्या 99 होगी। अब मैं यहाँ पर आपसे विषम दिनों की बात कर रहा हूँ, तो विषम दिनों का मतलब होता है कि दिनों की संख्या में जो सप्ते पूरे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और सप्ते बनने के बाद में जो कुछ भी शेष दिन बचते हैं उन्हीं को हम विषम दिन कहते हैं।
यानी कहने का मतलब कि कभी भी किसी भी तारीख पर दिनों का आगे पीछे होना वो इसी बात पर निर्भर करता है कि विषम दिनों की संख्या इसमें कितनी है। और विषम दिनों की संख्या जब कितनी है तो मैं आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर 10 तारीख दिखाई दे रही है तो मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इन सबको यहाँ पर काट दूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि विषम दिन दिनों की वह संख्या होती है जो दिनों की संख्या में 7 का भाग करने पर जो दिन शेष बचते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये बोला गया कि सर 1 तारीख का सोमवार है किसी भी माह का तो 10 तारीख का क्या होगा, तो आप यहां पर 10 दिन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 10 तारीखों के बीच में 9 दिन होंगे, तो आप 1 तारीख को 10 तारीख में से घटाएंगे तो टोटल दिनों की संख्या हमारी 9 निकल के आएगी। और जब हम 9 में 7 का भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों यहां पर हमको पता चलेगा 1 सप्ताह तो पूरा हो गया, और 1 सप्ताह पूरा होने के बाद में 7 एकम 7 एक सप्ताह पूरा हो गया 9 दिनों में, और हमारे पास 2 दिन शेष बचे। जो 2 दिन शेष बचे उन्हीं को प्यारे बच्चे हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। और ये जो विषम दिन है इन्हीं पर निर्भर करता है क्या उस दिन की तारीख क्या होगी। अगर आपका 1 तारीख का सोमवार है और 2 विषम दिन निकल करके आते हैं जिस तारीख पर पूछा गया है, तो सोमवार में 2 दिन जोड़ दीजिए मंगलवार और क्या हो जाएगा, बुधवार। तो यहां पर 10 तारीख का आपका क्या हो जाएगा, बुधवार। और मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए राइट कर लूं तो यहां पर आपको पता चल रहा होगा सोमवार से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार और क्या हो जाएगा यहां पर, बुधवार। तो इन्हीं को विषम दिन बोला जाता है, जो किसी भी तारीख पर दिनों को आगे पीछे करते हैं उन्हीं को विषम दिन बोला जाता है। और तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि कभी भी विषम दिनों की जो संख्या होती है, कभी भी जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कभी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे ही 7 होगी तो उसमें पूरा सप्ताह बन करके कंप्लीट हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा। तो इन विषम दिनों का मैं आपको यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे अब बोला जाए कि अगर किसी भी माह की 1 तारीख का, किसी भी माह की 1 तारीख का प्यारे बच्चों बुधवार है, तो पूछा जाए उसी माह की 24 तारीख का क्या बार होगा। यानी किसी भी माह की 1 तारीख का बुधवार है तो उस माह की 24 तारीख का क्या बार होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 24 तारीख तक दिनों की संख्या 23 होगी, क्योंकि 24 तारीख है 23 दिन होंगे, 25 तारीख है 24, तो दिनों की संख्या प्यारे बच्चों 23 होगी। 7 से भाग करेंगे, 1 सप्ताह यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया तो इनमें तो कोई परिवर्तन आना नहीं है, 7 या 21 3 सप्ताह पूरे हो गए, हमारे पास बचे कितने, 2 दिन बचे। तो ये जो 2 दिन होंगे इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, विषम दिन। और विषम दिन से ही आगे पीछे जाना होता है, तो बुधवार है तो 2 विषम दिन है, तो बुधवार में बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के शुक्रवार, तो यहाँ पर हम आंसर दे देंगे सर क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों शुक्रवार होगा तो यहाँ पर हमको पीछे की तारीख का दिन दे रखा है और आगे की तारीख के लिए पूछा गया है। और आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी पीछे की तारीख का दिन दे रखा हो, आगे की तारीख के लिए हमसे दिन पूछता है, तो हम विषम दिनों को प्लस करते हैं। और अगर आगे की तारीख का दिन दे रखा है और पीछे की तारीख का दिन पूछता है तो विषम दिनों को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये आपसे बोलने लगा कि किसी भी माह की, ज़रा ध्यान से समझना, मैं ये बोलने लगा किसी भी माह की 3 तारीख को क्या होगा, यदि उस माह की 19 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 19 तारीख को सोमवार है। ज़रा ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी तारीख की, किसी भी महीने की 3 तारीख का क्या वार होगा अगर 19 तारीख का क्या है हमारा, सोमवार है। तो प्यारे बच्चों 3 से लेकर के 19 के बीच में टोटल दिनों की संख्या 19 माइनस 3, यानी कहने का मतलब 16, और 16 में 7 का भाग करने पर 7 × 2 = 14, 2 सप्ते बन करके तैयार हो गए, बचे हमारे पास कितने, 2। तो 2 जो बचेंगे वो विषम दिन होंगे, तो यहाँ पर हमारे विषम दिन कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन हमको आगे की तारीख का दे रखा है, पीछे जाना है तो सोमवार से पहले रविवार आएगा और रविवार से पहले क्या आएगा, शनिवार आएगा, तो 3 तारीख का होगा शनिवार। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि आखिरकार विषम दिन का मतलब क्या होता है। अगर विषम दिन का मतलब आप जनरली समझ चुके हैं तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा कि टोटल महीनों की संख्या जो होती है वर्ष में वो 12 होती है। और 12 होती है तो यहाँ पर आपको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिखाई दे रहा है यहाँ तक,
दिखाई दे रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैसा कि हमें हमारे माता पिता सिखा देते कि जनवरी यहाँ से स्टार्ट करो, ऊंचे वाले पे आ जाए 31 का, गड्ढे वाले में चला जाए तो बस 28-29 की, फरवरी को छोड़ कर के सब 30 के होते हैं। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझना, आपको ये बात पता होगी जनवरी 31 का। अगर यहाँ पर हम सामान्य वर्ष की बात करते हैं तो फरवरी सामान्य में 28 की होती है लेकिन लीप में केवल 29 की होती है। तो यहाँ पर केवल फरवरी का ही माह ऐसा होता है जो लीप में चेंजिंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फरवरी 29 की एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है लीप वर्ष में, वो केवल फरवरी माह में होता है। बाद बाकी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के सारे दिन, हेलो फनी वीडियोज, हेलो, तो सभी के सभी दिन जो है वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, सभी दिनों की संख्या समान होती है। तो प्यारे बच्चों, मार्च जो है 31 की, 31, 28 या 29, 31, फिर 30, फिर 31, मई के बाद जून भी 30, और बेटा ध्यान रखना जुलाई और अगस्त के दो महीने ऐसे होते हैं जो लगातार 31 31 के होते हैं। सितंबर होता है 30 का, अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर होता है 30 का, दिसंबर होता है 31 का। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हमको विषम दिन निकालने हैं तो प्यारे बच्चों, अगर 31 दिन कंप्लीट हैं हमारे पास, 31 दिन कंप्लीट हैं, तारीख नहीं बात कर रहा हूँ, महीने में 31 दिन कंप्लीट हैं, तो हम 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, तो हमारा यहाँ पर 3 शेष बचेगा। तो विषम दिन कितने होंगे जनवरी में? 3। फरवरी की 7 चौक 28, सामान्य में 0, 29 वाली फरवरी है लीप की, तो कुल कितने हो जाएंगे? 1। इसी तरीके से यहाँ पर 3, 7 चौक 28, यहाँ पर 2, 7 चौक 28 3, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर कितने होंगे? 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर कितने होंगे? 2, और फिर यहाँ पर कितने होंगे? 3। तो ये बात मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल अभी जीरो से नहीं बल्कि माइनस से। लेकिन अब मेरा अगला कदम कुछ कठोर जाने वाला है, उसे ज़रा ध्यान से देखें। अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुए हैं तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं, उसके बाद मैं एक चाय की चुस्की लेता हूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग ये बात बताएं कि यहाँ तक मेरे द्वारा बताई गई बातें आपकी समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि अगला कदम आपके लिए घातक हो सकता है। यस सर, रोहित कुमार बघेल जी, यस सर। और सभी लोग बताइए कि कैसा आया आनंद इसमें, यहाँ तक सबका क्लियर है ये पॉइंट? अगर प्यारे बच्चों सबका क्लियर है तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, और जो अब जुड़ा हुआ है वो जुड़ा रहे जब तक क्लास का एंड ना कर दूँ, अन्यथा आनंद नहीं आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि वर्षों का जो मेजर किया जाता है, हमने सामान्य लीप और साधारण वर्ष के बारे में तो पढ़ ही लिया, लेकिन अब जरा यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ भैया, शताब्दी, ध्यान से सुनना, शताब्दी वर्ष, और एक नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर शताब्दी, और मैं यहाँ पर एक नाम और लिखता हूँ शताब्दी लीप। तो इन पॉइंटों को आप समझने में अगर कामयाब हो गए तो आपने 10% तक कैलेंडर को सीख लिया, अगर इनको नहीं तो आप 0% पर हैं। अभी मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शताब्दी वर्ष, शताब्दी और शताब्दी लीप वर्ष। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शताब्दी वर्ष। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एक वचन को दर्शाती है शताब्दी वर्ष। शताब्दी का मतलब शतक से होता है, 100 से होता है। तो शताब्दी वर्ष का अभिप्राय है कि एक ऐसी वर्ष जिसमें 100 का भाग पूरा चला जाए वो शताब्दी वर्ष कहलाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, वह वर्ष जिसमें 100 का भाग पूर्णतः चला जाए वो शताब्दी वर्ष कहलाएगी। जैसे 100 एकम 100, जैसे मैं यहाँ पर कहने लगा 100वीं वर्ष, 100 वर्ष नहीं, 100वीं वर्ष, जैसे मैं यहाँ पर कहने लगा
सौ दूनी 200, तो 200वीं वर्ष, 200 वर्ष नहीं 200वीं वर्ष, 100 तिया 300, तो 300वीं वर्ष मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह वर्ष जिसमें 100 का भाग पूर्णतः जाए वो शताब्दी वर्ष कहलाएगी। और शताब्दी वर्ष में 1700 बोला जाए कैसी वर्ष है, तो आपका जवाब होगा शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 1700 में 100 का भाग चला जाएगा तो 1700वीं वर्ष, कौन सी वर्ष, 1700वीं वर्ष कैसी होगी भैया, तो आपका जवाब होगा सर 1700वीं वर्ष जो है वो कैसी वर्ष होगी, शताब्दी वर्ष होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ शताब्दी, तो शताब्दी जिस तरीके से नाम आपका शतक होता है कि किसी भी खिलाड़ी ने शतक बना दिया तो उसका मतलब उसने 100 रनों का एक समूह बना करके अंबार खड़ा कर दिया। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं शताब्दी की, तो शताब्दी जो है वो 100 वर्षों का क्या होता है, एक समूह, और 100 वर्षों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, शताब्दी। जैसे अब पूछा जाए कि हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं, हमसे अगर पूछा जाए कि हम कौन सी शताब्दी वर्ष में चल रहे हैं, तो हम किसी भी शताब्दी वर्ष में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है, जो 2100वीं वर्ष आएगी वो शताब्दी वर्ष कहलाएगी। लेकिन शताब्दी वर्ष के अलावा अगर मैं शताब्दी पर बात करता हूं तो 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। जैसे वर्ष 1 से लेकर 100 तक जो पड़ी 100 वर्षों का समूह शताब्दी, वर्ष 101 से लेकर के 200 तक जो पड़ी 100 वर्षों का समूह शताब्दी। ठीक इसी तरीके से वर्ष 301 से लेकर के 400 तक जो पड़ी वो 100 वर्षों का समूह, इस सभी को शताब्दी बोलेंगे। तो अब वर्ष 2001 से लेकर के 2100 तक जो पड़ेगी वो पूरी एक शताब्दी होगी, जो कि 21वीं शताब्दी होगी। तो अब हम जो जी रहे हैं वो 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। वर्ष 2000 तक जो जिए थे वो 20वीं शताब्दी में जिए थे, तो 2001 से 2100 तक हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। बात क्लियर यहां तक? अब यहां पर प्यारे बच्चों बात आती है कि शताब्दी लीप वर्ष हम किसे कहते हैं, तो शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी का मतलब 100 और लीप का मतलब 4, यानी 100 × 4 = 400। वह वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कहलाती है जो 400 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 400 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो, उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वह वर्ष जिसमें 400 से भाग चला जाए वो शताब्दी लीप वर्ष कहलाती है। तो 400 से भाग जाने वाली सबसे पहली वर्ष जो होगी प्यारे बच्चों वो कौन सी होगी, 400वीं। दूसरी कौन सी होगी, 800वीं। तीसरी कौन सी होगी, 1200वीं। चौथी कौन सी होगी, 1600वीं। पांचवी कौन सी होगी, 2000वीं। तो अभी तक हमने कितनी शताब्दी लीप वर्षों का सामना किया है जब से कैलेंडर ग्रिगोरियन स्टार्ट हुआ है, 5 का, 1, 2, 3, 4, 5 शताब्दी लीप 5 वर्षों का सामना किया है। अब छठी शताब्दी लीप जो आएगी वो होगी 2400वीं। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए हैं तो क्लास में आगे के लिए बहुत बड़ा मजा आने वाला है। तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए आप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है। चलिए अगर क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट करके आप बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपकी कुछ असमंजस की स्थिति बनकर के तैयार होगी, आप जरा उसे ध्यान से देखने की कोशिश करें। मैंने अभी आपसे एक बात बोली, जिनके लगातार कमेंट आ रहे हैं, सही कमेंट आ रहे हैं, उनके सामने भी ये कंफ्यूज की स्थिति हो सकती है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिन पर कैलेंडर आता है, देखिए मेरी एक ही बात कहना है, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो किसी भी टीचर से पढ़ते समय आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का परिचय देने की कोशिश ना किया करें। अपने आप में अगर आपने किसी भी टीचर को चुना है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, तो उसकी बातों को ध्यान से सुने। अगर आप पर आता है तो आने के बावजूद जो बताया गया उस पर मंथन करें कि जो सर ने बताया है वो और मेरे द्वारा सुना गया है, मैंने किसी से पढ़ा है, वो उनमें क्या समानता और क्या असमानता है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे कि किसी भी वर्ष पर यह टिक लगाना कि यह वर्ष में फरवरी 29 की होगी या फरवरी 28 की होगी, बड़ा कठिन काम होता है, जरा ध्यान से समझेंगे।
अब कठिन काम किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया कि शताब्दी लीप वर्ष वह वर्ष कहलाएगी जो चार से पूर्णतः विभक्त हो, ध्यान से समझना, जिसमें चार से भाग चला जाए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें चार से भाग चला जाए वो अपने आप में क्या होगी, शताब्दी लीप होगी, सॉरी लीप वर्ष होगी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि वह वर्ष जिसमें चार से भाग चला जाए वह वर्ष कैसी होगी, लीप वर्ष होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, क्या जिस वर्ष में 100 से भाग चला जाता है क्या उस वर्ष में आपका चार से नहीं जाएगा, 101% जाएगा। यानी चार से भाग जिसमें जाएगा वो लीप होगी, मैंने आपको यही बताया, और उसमें फरवरी जो है 29 दिन की होगी, मैंने आपको यही बताया। लेकिन अब मैं आपसे ही क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जिस वर्ष में 100 से भाग जाएगा तो प्यारे बच्चों उसमें क्या चार से नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन 100 से जाएगा, चार से जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस वर्ष में 100 से भाग जाएगा उसमें चार से जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसमें फरवरी जो है वह 29 की नहीं बल्कि 28 की होती है, जबकि वह लीप नहीं सामान्य वर्ष होती है। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन टिक करना है तो आप यहाँ पर मेरी बात सही से समझने की कोशिश करेंगे, और कभी भी अगर क्वेश्चन में गलती हो जाए तो मेरा सिर कलम करके आप अपने घर पर ले जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक बात को गांठ बांध लेना, और वो क्या, देखिए मैं यहाँ पर संख्या लिखता हूँ एक 400, फिर मैं यहाँ पर एक संख्या लिखता हूँ 100, फिर मैं एक यहाँ पर संख्या लिखता हूँ 4, और यहाँ पर फिर मैं एक संख्या लिखता हूँ 0। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर के तहत यहां पर लिखता हूं 29 दिन, यहां पर लिखता हूं 29 दिन, यहां पर लिखता हूं प्यारे बच्चों में 28 दिन, यहां पर लिखता हूं प्यारे बच्चों में 29 दिन, और यहां पर लिखता हूं प्यारे बच्चों में 28 दिन। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पर इस परफॉर्मे को नोट करें, और उसके बाद अगर कभी भी जिंदगी में आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मुझे जवाब दे दें इस बात का, और मेरा सिर कलम करके ले जाएं। क्लियर है यहां तक, नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपको यह जांच करनी है कि इस वर्ष में फरवरी, ध्यान से समझना कि इस वर्ष में फरवरी, अगर मैं आपको ये बात करता हूं कि इस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी या फिर फरवरी 29 दिन की होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों आप जरा ध्यान से समझिए कि फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी इस वर्ष में, तो आप कैसे पहचान करेंगे, जो आपको वर्ष दे रखी है, जो आपको वर्ष दे रखी है उसमें आप 400 से भाग करेंगे। सबसे पहली वरीयता उसमें 400 से भाग करने की करेंगे। अगर 400 से भाग उस वर्ष में चला जाता है तो आपकी फरवरी उसमें 29 की होगी, क्योंकि जिस वर्ष में 400 से भाग चला जाएगा उसमें 100 से भी चला जाएगा और 4 से भी। तो ये गलती मत कर देना सर, 400 से जा रहा है और तो इसमें 100 से भी तो जा रहा है, तो फरवरी 28 की होनी चाहिए। तो आप सबसे पहली वरीयता उस वर्ष में 400 से भाग करने की देंगे। अगर भाग चला गया तो आप वहीं पर रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर 400 से चला गया तो फरवरी हो गई 29 की। पहले 400 से अगर नहीं गया तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, 100 से भाग करेंगे। अगर 100 से भाग चला गया तो आप वहीं पर रुक जाएंगे, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, फरवरी होगी 28 की। अगर 100 से भी भाग नहीं जाता है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे और 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भाग चला जाता है आप वहीं पर रुक जाएंगे और फरवरी होगी 29 की। अगर 4 से भी भाग नहीं जाता है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर सबको 0 हो जाएगा, जिसमें किसी से भी भाग नहीं जाएगा उसमें फरवरी होगी 28 दिन की। अब होगी कैसे, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको वर्ष दे दी गई 1600, आपसे पूछा गया यह वर्ष लीप है या सामान, मैंने यहां पर लिख दिया आपको वर्ष दे दी गई 1600, और आपसे पूछा गया कि सर बताइए 1600 वर्ष लीप है या सामान्य, तो सबसे पहले आप वरीयता देंगे 400 से भाग करने की, और 400 से जी भाग जा रहा है
तो आप आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 100 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा। तो 400 से भाग यहां पर जा रहा है, आप यहीं पर ब्रेक हो जाएंगे। इसमें फरवरी होगी 29 की, तो इसका मतलब ये होगी लीप न की होगी ये सामान्य। बात समझे या नहीं समझे? इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर उठाता हूं कि आपको दे दिया वर्ष 1700 और आपसे पूछा गया कि सर बताइए इसमें लीप होगी ये वर्ष या फिर सामान्य होगी, यानी फरवरी 28 दिन की होगी या 29 की। तो सबसे पहला भाग आप 400 से करेंगे, जा रहा है बिल्कुल नहीं जा रहा है। फिर दूसरा भाग 100 से करेंगे, जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, जहां चला गया वहीं रुक गए। तो फरवरी होगी इसमें 28 की, तो ये नहीं होगी लीप बल्कि क्या होगी बेटे प्यारे बच्चों, सामान्य। बात समझ रहे हो? इसके बाद मैंने दे दिया 1832 वर्ष और आपसे पूछा गया कि सर बताइए ये वर्ष लीप होगी या फिर सामान्य होगी। तो मैंने आपसे बोला सबसे पहले भाग करेंगे 400 से, जा रहा है नहीं जा रहा है। दूसरा भाग करेंगे 100 से, जा रहा है नहीं जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, तीसरा भाग करेंगे 4 से, जा रहा है। तो 4 से भाग करने के लिए केवल लास्ट के दो अंकों को भाग करके देख लीजिए, तो 4 से संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो 4 से भाग जा रहा है, यहीं पर रुक जाएंगे, फरवरी होगी 29 की, और जब फरवरी 29 की होगी तो ये वर्ष सामान्य नहीं होगी बल्कि कैसी होगी प्यारे बच्चों, लीप होगी। चौथे एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, आपसे मैं कहने लगा कि सर 1703 है, 1703 में मैं बात करता हूँ तो सर लीप होगी या फिर सामान्य होगी। तो आप यहाँ पर कोशिश करेंगे, 400 से भाग जा रहा है 1703 में बिल्कुल नहीं, 100 से जा रहा है बिल्कुल नहीं, 4 से जा रहा है बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं जा रहा है, तो इसमें फरवरी जो है वो 29 की नहीं होगी, तो इस वजह से ये लीप नहीं होगी, कैसी होगी, सामान्य होगी। बात समझे या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि बताइए इसमें से लीप वर्ष कौन सी है, तो जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि लीप वर्ष यहां पर कौन सी है प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप समझने की कोशिश करेंगे मेरी बात को ध्यान से। अगर आपसे पूछा गया 1305 एक वर्ष, दूसरी आपको दे दी गई 1600, तीसरी आपको दे दी गई 1204 और चौथी दे दी गई आपको 1853। अब यहां पर पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी वर्ष लीप है, तो चारों में से मुझे बताइए कौन सी वर्ष लीप है, कमेंट करके मुझे फटाफट से बताइए कि इसमें से कौन सी वर्ष जो है वो लीप है, जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया उसी के अकॉर्डिंग। तो कौन सी वर्ष लीप है इसमें से जरा जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। और आज से हिस्ट्री प्यारे बच्चों स्टार्ट होगी, स्टार्ट तो हो चुकी है, कल क्लास नहीं हो पाई थी कनेक्टिविटी जुड़ने की वजह से, कोशिश करूंगा 4 बजे जरूर शामिल रहना। मेडिवल इंडिया की शुरुआत करने के लिए जा रहा हूं, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए बता दे रहा हूं कि हिस्ट्री की बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी, और मैं परफॉर्मा पहले आपको दे चुका हूं पहली क्लास में। सारस्वत करुणा जी का सवाल जो है वो आया है सही 1600 और 1204। सुशील कुमार जी थोड़ा देर आप इंतजार कीजिए, सर जी 1 जनवरी का कौन सा डे होगा, तो ये डिपेंड करेगा 1 जनवरी का कौन सा डे होगा, किस वर्ष की आप बात कर रहे हैं। 1 जनवरी का फिक्स डे नहीं होगा प्रत्येक वर्ष के लिए। हाँ, यहाँ पर ये कह सकते हैं सर 1 जनवरी सन 1 का कौन सा दिन था, तो आपको पता है कि शुरुआत किससे हुई थी, सोमवार से, तो सोमवार होगा 1 जनवरी वर्ष 1 का। बाद बाकी आगे के लिए क्या, थोड़ा इंतजार करें, अपने आप आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन पूछने की आपके पास कोई गुंजाइश बचेगी नहीं, धैर्य बना करके रखें, ठीक है। तो वीडियो को शेयर वेयर भी कर दें। चलिए, तो यहां पर केवल एक आंसर सही आया है सारस्वत करुणा जी का 1600 और 1204। हमने बोला आप 1305 में 400 से भाग करें, क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। 100 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो किसी से नहीं जाएगा, तो ये 28 दिन की होगी, तो लीप नहीं होगी। आ जाइए 1600 पर, 400 से ही जा रहा है पहले, तो वहीं रुक जाएंगे। फरवरी कितने की होगी, 29 की, तो कैसी हो जाएगी लीप। 1204 पर आ जाइए, 400 से जा रहा है बिल्कुल नहीं जा रहा है, 100 से जा रहा है बिल्कुल नहीं जा रहा है, 4 से जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, वहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फरवरी कितने की होगी, 29 की। 1853, क्या 400 से जा रहा है भाग, बिल्कुल नहीं। क्या 100 से जा रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या 4 से जा रहा है, बिल्कुल नहीं। तो किसी से नहीं, तो फरवरी कितने की होगी, 28 की, तो कैसी होगी ये सामान्य। तो ये दो वर्ष होंगी 1600 और 1204, जिसमें से केवल एक ही आंसर सही है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, शेयर वेयर भी कर दिया करो यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा करो, समझ रहे हो ना, आपका कितना मस्त कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको यार। ये क्लासें ढूंढने से नहीं मिलती हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं स्क्रीन पर और बताने लगते हैं उनको, लेकिन जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा ना आपको प्रैक्टिस सेट करने में मजा आएगा ना कुछ भी आएगा। और आप जिस टॉपिक को मुझसे पढ़ लेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ पूरा कंप्लीट टॉपिक मुझसे आप पढ़िए, और पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के बाद आपके पास गुंजाइश नाम की चीज़ नहीं होगी, ऑप्शन नहीं बचेगा कि सर ये क्वेश्चन ये टाइप आपने बताया नहीं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए मेरे पास। तो हमने आपको बताया विषम दिनों के बारे में, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात। अब हम थोड़ा सा विषम दिनों पर आगे बढ़ते हैं। विषम दिन के बारे में आपको बता चुका हूँ, दिनों की वह संख्या जिसमें सात का भाग करने पर उसमें से जो कुछ भी शेष बचते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाइए वापस, ठीक है, कहाँ पर आ जाइए वापस। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ, इस बात को नोट कर लेना, एक शताब्दी वर्ष में, एक शताब्दी में 76 सामान्य वर्ष तथा 24 लीप वर्ष होती हैं। एक शताब्दी में 76 सामान्य वर्ष और 24 लीप वर्ष होती हैं, इस बात को नोट कर लेना। और मैं आपको फिगर सहित मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैनल को इतना फैला दो यार, आने वाले समय में जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना ये यूट्यूब पर, उनकी बेवकूफ़ता ख़त्म हो जाए, कि सीधा सीधा आए, चार भाषण दिए, ज़्यादा बोले, बच्चों से ज़्यादा बात की, समझ रहे हो, बच्चा खुश रहता है, मज़ा आता है। लेकिन मैं सीधा आता हूँ, पढ़ाता हूँ, यहाँ पर पूरा बेसिक से पढ़ाता हूँ और बेसिक से लेकर के हाई स्टैंडर्ड तक आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, और हर सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो सब में ही पढ़ाऊंगा, कोई दूसरा टीचर नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यार ये आदमी कौन है, लेकिन आदमी कोई नहीं है। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतनी उपाधि ले सकते हैं, बहुत बहुत बड़े वर्ल्ड में रिकॉर्ड बन चुके हैं, तो क्या एक आदमी सब्जेक्ट मेहनत करके नहीं पढ़ा सकता, बड़े आसानी से पढ़ा सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। तो शेयर कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए, जितने भी आपके पास, कम से कम आप इतना तो कर सकते हो यार कि आपके पास जितनी भी सोशल साइट्स हैं, चाहे वो आपका व्हाट्सअप है, चाहे वो टेलीग्राम है, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, सब पर आप वीडियो को शेयर कीजिए और जमकर के मजा लीजिए। जितने लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना उतना ही ज़्यादा मुझे उत्साह मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक शताब्दी में 76 सामान्य वर्ष तथा 24 लीप वर्ष होती हैं। अब होती कैसे हैं ज़रा ध्यान से समझ लें, मैं यहाँ पर गिनती लिखूंगा, आप परेशान मत होना, आपको वो गिनती नहीं लिखनी है, क्योंकि सदैव ध्यान रखना बोर्ड पर छपी हुई चीज़ जो होती है वो दिमाग में भी छप जाती है, और सुनी हुई चीज़ जो होती है वो कान में से एंट्री करती है, मुँह में से होकर बाहर हो जाती है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझना, मैं गिनती लिख रहा हूँ, एक दो यानी वर्ष एक, वर्ष दो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, दिखाई दे रहा है, बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस, ये मजबूरी है मेरा लिखना क्योंकि दिमाग में छाप दूंगा, बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस, देख लेना भाई कोई छूट ना जाए, सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर। उन्यासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अठासी नवासी नब्बे इक्यानवे बानवे तिरानवे चौरानवे पचानवे छियानवे सतानवे अठानवे निन्यानवे सौ। मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी वर्ष के बारे में अगर हम बात करते हैं
तो हर तीसरी वर्ष के बाद जो चौथी वर्ष होती है वो अपने आप में लीप वर्ष होती है, जिसमें फरवरी 29 की होती है। मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि अगर कोई वर्ष एक से स्टार्ट हुई, जैसे सबसे पहली शताब्दी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक से स्टार्ट हुई होगी तो 100 पर ख़त्म हुई होगी, तो सबसे पहली सामान्य, दूसरी भी सामान्य, तीसरी भी सामान्य, लेकिन चौथी इसमें लीप हो गई होगी, 8वीं लीप हो गई होगी, 12वीं लीप, 16वीं लीप, 20वीं लीप हो गई होगी, ठीक है, 24वीं लीप हो गई होगी, 28वीं हो गई होगी, 32वीं हो गई होगी, 36 हो गई होगी, 40 हो गई होगी, 44 हो गई होगी, 48 हो गई होगी, 52 हो गई होगी, 56 हो गई होगी, और ये 60, 64, 68, 72, 76, और ये 80, 84, 88, 92, 96 और 100। नहीं, 100 नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, सबसे पहले भाग करने की बजाय 400 से जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, फिर 100 से जा रहा है, जा रहा है, तो फरवरी प्यारे बच्चे इसमें 29 की नहीं, कितने की होगी, 28 की होगी। और बाद बाकी जितनी भी वर्ष हैं उनमें 400 से नहीं जा रहा है ना 100 से जा रहा है, तो 400 तो सब में जा रहा है ना, अभी मैं बता के गया हूँ, तो ज़रा गिन लेना कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो 24 कैसी हो गई है भैया, ये लीप वर्ष, तो 100 में से 24 चला गया तो 76 कैसी हो गई प्यारे बच्चों, सामान्य वर्ष है, कब, जब एक से स्टार्ट हुई हो वर्ष 100 पे ख़त्म हुई हो। तो दूसरी शताब्दी पर अगर हम एंट्री करते हैं तो वर्ष 101 से स्टार्ट होगी, 200 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, तो क्या 200 में 400 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 100 से जा रहा है, तो 200 भी कैसी होगी, सामान्य होगी, तो इसमें भी तो कितनी हो गई, 24 हो गई। तो पहली शताब्दी में 24 वर्ष हो गई लीप, दूसरी में भी 24 हो गई, ध्यान से समझना, तीसरी शताब्दी जो स्टार्ट होगी, ठीक है, वो कितने से होगी, 201 से, और 201 से ख़त्म कहाँ पर होगी, 300 पर होगी, होगी या नहीं होगी, तो क्या 300 लीप है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 400 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 100 से जा रहा है, जा रहा है, वहीं रुक जाएंगे, तो वहीं रुक जाएंगे, तो 28 की होगी, तो इसमें भी कितनी होंगी, 24। अगर वर्ष 301 से स्टार्ट हो प्यारे बच्चों और 400 पर चली जाए, तो क्या 400 लीप है, बिल्कुल है, तो ये भी एक इंक्लूड हो जाएगी, तो यहां पर 24 की जगह कितनी हो जाएंगी, 25। तो चार शताब्दी में 400 वर्ष के समूह में 24 दुनिया 48, 24 ती 72, 24 चौका 96 और 1 97, तो 400 वर्षों के समूह में प्यारे बच्चों 97 लीप वर्ष होती हैं, बाद बाकी सब कैसी होती हैं, सामान्य होती हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, अगर एक बात बताइए, मैं आपसे कहने लगा कि यह 1901 से स्टार्ट हुई हो और 2000 पर समाप्त हुई हो, तो कुल मिला के इसमें कितनी होंगी लीप, 25, क्योंकि 2000 भी अपने आप में 24 400 से भाग जाएगा, तो 29 की फरवरी होगी, हैं। अगर ये 1701 से स्टार्ट हुई होती और यहाँ पर ये 1800 पर शताब्दी ख़त्म होती, तो इसमें क्या होती है लीप, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि 400 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 100 से जा रहा है, जी हाँ जा रहा है, वहीं रुक जाएंगे, तो इसका मतलब फरवरी कितने की होगी, 28 की। बात समझे या नहीं समझे, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में आया है तो कमेंट करने की कोशिश, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि आज मैंने आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में बता दिया है कि आज हम बिल्कुल थ्योरी को कवर करेंगे, कोई भी ताल्लुक नहीं होगा आज एक भी क्वेश्चन से, और कल तो धुआं देंगे फिर हम आकर के बोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे थ्योरी को कवर, और थ्योरी को ही हम कवर कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझना, अब मैं बात करता हूँ एक सामान्य वर्ष में विषम दिन, एक सामान्य वर्ष में विषम दिन के बारे में बात करता हूँ, तो आपको पता है सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 52 बार भाग चला जाएगा, तो 52 बार भाग चला जाएगा, तो 52 तो सप्ताह बनी जाएंगे, बचेगा कितना, एक, तो एक विषम दिन होगा, किसमें, किसमें होगा एक विषम दिन, एक सामान्य वर्ष में, जिसमें फरवरी कितने की होती है, जिसमें फरवरी होती है 28 दिन की, 365 में 7 का भाग दिया, 52 सप्ताह हो गए, एक विषम दिन हो गया, समझना मेरी बात। अब मैं आपसे कहने लगा
क्या कोई भी सामान्य वर्ष है, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन यहां से बनके तैयार होता है, कोई भी सामान्य वर्ष है उसकी एक जनवरी का, एक जनवरी का क्या है मंगलवार, ध्यान से समझना, तो उसका पूछा जाए लास्ट दिन 31 दिसंबर जो है वो क्या होगा, ध्यान से समझना। अब मुझे एक बात बताओ, एक जनवरी से 31 दिसंबर तक किसी भी सामान्य वर्ष में अगर हम बात करते हैं तो 365 तारीख पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं, तो दिन कितने पड़ेंगे भैया इसमें, 364, अभी बता चुका हूँ। तो एक जनवरी का दे रखा है, 31 फरवरी का पूछा गया है, 365 दिन टोटल होते हैं, 365 तारीख होती हैं, तो दिन कितने पड़ेंगे उनके बीच में, 364, और 364 में जब आप भाग करेंगे 7 से तो हमारा शेषफल जो है वो शून्य बचेगा, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, यानी सारे के सारे 52 सप्ते बन जाएंगे, और जब विषम दिन जीरो हो जाते हैं तो पहला दिन भी वही होता है और अंतिम दिन भी वही होता है। तो सामान्य वर्ष की किसी भी का एक जनवरी का जो बार होगा ना, सामान्य वर्ष का 31 दिसंबर का भी वही बार होगा, बात समझे या नहीं समझे, यानी मंगलवार का मंगलवार ही रहेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका बन करके होता है कि अगर आपके पास में कोई भी सामान्य वर्ष है तो किसी भी सामान्य वर्ष की एक तारीख का जो बार होगा उस सामान्य वर्ष का लास्ट दिन 31 दिसंबर भी वही बार होगा, बात समझे या नहीं समझे। कभी भी पूछ ले, जैसे कहने लगा कि वर्ष 1703, या कहने लगा वर्ष 2019 की बात करने लगा और उसने बोला वर्ष 2019 में एक जनवरी का रविवार था, तो वर्ष 2019 का 31 दिसंबर का क्या होगा, तो रविवार क्यों होगा, क्योंकि 2019 सामान्य तारीख उसमें पड़ेंगी 365, तो दिन पड़ेंगे 364, भाग करेंगे 7 से तो शेष बचेगा 0, तो जो पहली तारीख का वो अंतिम, यानी आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो वर्ष सामान्य होगी वो जिस दिन से शुरू होगी उसी दिन पर एंड होगी, बात क्लियर या नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर बात क्लियर तो हाँ ना कुछ बोलते रहिए और वीडियो को यार दबा के शेयर भी करते रहिए। आपको पता है ये मास्टर क्लास है, ये ऐसी क्लास है जिनसे आप टीचर बन के पढ़ा सकते हो कहीं पर, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि टीचर की उपाधि सबसे बुरी होती है, टीचर ही मत बनना बस, बाद बाकी आपको करना है एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करके अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचिए, अन्यथा टीचर टीचर तो इसी क्षेत्र में मत जाना भाई, मैं आपको सच बता रहा हूं ये क्षेत्र बहुत खराब है, केवल और केवल अपना फोकस करना गवर्नमेंट जॉब पर। इसके बाद एक सामान्य वर्ष में विषम दिन, अब यहां पर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक लीप वर्ष में मैं यहाँ पर कहने लगा विषम दिन, तो प्यारे बच्चे आपका जवाब होगा कि लीप वर्ष में तो सर 366 दिन होते हैं, 7 से भाग किया तो आपके 52 सप्ताह तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, प्लस शेष कितना बचेगा 2, ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात, तो 2 विषम दिन हो गए। अब 2 विषम दिन हो गए, ऐसी वर्ष जिसमें फरवरी 29 की पड़ती है उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है, तो आप यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहने लगा कि हमारे पास में कोई भी लीप वर्ष है, कोई भी क्या है लीप वर्ष है, लीप वर्ष में बात करता हूँ, चलो 2000 है, अरे यार 2020 ही ले लूँ कोई दिक्कत नहीं है, 2020 ही ले लेता हूँ क्योंकि ये भी तो लीप है। अब मैंने बोला 2020 का एक जनवरी का कुछ भी बार बोला, एक जनवरी का क्या है, जैसे कुछ भी मान लो, वो तो हम निकाल के बताएंगे क्या था, अभी तो वैसे ही अनुमान के आने में बात चल रही है, शनिचर ले लो यानी ही शनिवार, ठीक है शनिचर ले लेता हूँ, देखता हूँ कि फिर क्या छाएगा है। अब यहाँ पर पूछा गया कि 31 दिसंबर का यानी अंतिम दिन क्या होगा, तो आपको पता है कि लीप वर्ष में 366 तारीख होती हैं, तो दिन कितने होंगे 365, अगर 365 दिन होंगे 7 से भाग करेंगे 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, एक विषम दिन बचेगा, और जब एक विषम दिन बचेगा तो शनिचर से यानी शनिवार से क्या हो जाएगा रविवार। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना कि जो आपकी लीप वर्ष होती है उसकी एक तारीख का जो बार होता है ना उससे अगला दिन उसका लास्ट होता है 31 दिसंबर, यानी 2020 की एक जनवरी का जो बार हुआ होगा ना उसका 31 दिसंबर इस 2020 का वह उससे अगला दिन होगा, बात समझे या नहीं समझे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो ये हमने बात कही अभी 2 वर्षों के बारे में, ठीक है, अगर क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं। तो एक सामान्य वर्ष में विषम दिन 1, एक लीप वर्ष में विषम दिन 2, और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे भाइयों, क्या बात बता चुका हूँ मैं, ये बात बता चुका हूँ कि कभी भी आप ध्यान रखेंगे, और वो ध्यान क्या रखेंगे, एक तरीके से आप यही कह सकते हो दूसरे शब्दों में
कि अगर हमारे पास वर्षों का समूह बन जाता है कि अभी तो एक वर्ष है ये सामान्य और लीप, और सामान्य और लीप से ही मिलकर के बहुत सारे वर्षों के समूह बन जाएंगे, सामान्य सामान्य से समूह बन जाएगा, सामान्य के अलावा लीप लीप से समूह बन जाएंगे वर्षों के, सामान्य लीप मिला करके बन जाएंगे, हैं? तो ज़रा ध्यान से समझेंगे मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं अब यहाँ पर कहने लगा एक शताब्दी, एक शताब्दी, और एक शताब्दी का मतलब समझ गए आप, यानी 100 वर्षों का समूह, एक शताब्दी में विषम दिन। तो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने बताया कि एक शताब्दी में 76 सामान्य होती हैं और 24 लीप, तो आपका जवाब होगा सर एक सामान्य में एक विषम दिन होता है और 76 सामान्य में, तो 76 हो गए विषम दिन, 76 हो गए प्लस 24 लीप पड़ती हैं, एक लीप में 2 विषम दिन होते हैं सर, 24 लीप के 48 हो गए। लेकिन भैया कभी भी विषम दिनों की संख्या 7 से ज़्यादा नहीं होती है, तो इसमें जोड़ करके सप्ताह बना करके बाहर निकाल दो, विषम दिन को बाहर निकाल लो, तो 8 और 6 14, 7 और 4 11 और 1 12, 124 में हमने 7 का भाग दिया, तो आपको पता चल रहा होगा 7 एकम 7 बचे 5, 77 49 फिर बचेंगे 5, तो कुल मिला करके 5 शेष बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जवाब होगा सर 5 विषम दिन हो गए, किसमें, एक शताब्दी में, ध्यान से देखना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 2 शताब्दी में, बेटा आने वाले समय में भी कभी कैलेंडर अगर परेशान कर जाए तो नाम बदल देना जिसने पूरी क्लास ले ली। 2 शताब्दी की बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि 1 शताब्दी में प्यारे बच्चों विषम दिन हमारे 5 होते हैं, तो 2 शताब्दी में 5 × 2 होनी चाहिए, लेकिन 5 × 2 = 10 में तो फिर 1 सप्ताह बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, तो 7 का भाग करेंगे, 5 × 2 = 10 में 1 सप्ताह बन गया, क्योंकि विषम दिनों की संख्या कभी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो बचेंगे हमारे पास कितने, 3, तो यहाँ पर हो गए 3 विषम दिन, हो गए या नहीं हो गए, अरे 3 विषम दिन हो गए या नहीं हो गए। अब यहाँ पर मैं प्यारे बच्चों कहने लगा आपसे कि 3 शताब्दी में विषम दिन, तो आपको पता है 1 शताब्दी में 5 होते हैं, तो 3 में 5 = 15 होनी चाहिए, लेकिन 15 में तो सप्ताह बन जाएंगे, 2 7 × 2 = 14 बचेगा कितना, 1 विषम दिन, ध्यान से समझ लेना कितना बचेगा, 1 विषम दिन, बात क्लियर। अब यहां पर मैं आता हूं प्यारे बच्चों 4 शताब्दी के बारे में, 4 शताब्दी में विषम दिन, तो आपका जवाब होगा सर 1 शताब्दी में 5 होते हैं, 4 में 5 = 24 हो गए, लेकिन अभी अभी बताया है कि जो 4 शताब्दी होंगी तो उसमें जो लास्ट की 400वीं वर्ष होगी, 1600वीं होगी, 1200वीं होगी, वो कैसी होगी, लीप हो जाएगी, तो विषम दिन का एक और मैटर बढ़ जाएगा, कोरोना वायरस का एक और मैटर मामला सामने आ जाएगा 400 वर्षों के समूह में, क्योंकि ये आपको पता है कि सामान्य वर्ष की अपेक्षा एक दिन ज़्यादा होता है विषम लीप में, तो हमारी जो लास्ट की वर्ष होगी 400वीं 800वीं 1200वीं 400 वर्षों के समूह में, तो उसमें 1 विषम दिन एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगा, तो 1 विषम दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा बटे 7, 5 × 20 और 1 21/7, 21/7 का मतलब 0 विषम दिन, 0 विषम दिन, और बेटा जब कभी भी विषम दिनों की संख्या 0 हो जाती है ना, तो इसका मतलब पहली तारीख का दिन भी वही होता है और अंतिम तारीख का भी दिन वही होता है, तो आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हो कि कैलेंडर जो होता है वो केवल 400 वर्षों के समूह के फॉर्मेट पर ही चलता है, उसके बाद उसका कुछ नहीं होने का है, हर 400 वर्ष का कैलेंडर यों की तो होता है, यानी जो क्योंकि 400 वर्ष में विषम दिन 0 हो जाते हैं, तो जो कैलेंडर वर्ष 1 से लेकर के 400 तक का था वही 401 से 800 तक का था, वही 801 से लेकर के 1200 तक का था, और वही 1201 से लेकर के 1600 तक का, और वही 1601 से लेकर के 2000 तक का, और वही कैलेंडर 2001 से लेकर के 2400 तक चलेगा। तो सदैव ध्यान रखेंगे कि कैलेंडर का खेल केवल और केवल कितने का होता है, 400 वर्ष का, और अब देखा होगा नोटबुक पर 100 साल का कैलेंडर लिखा हुआ आता है 100 वर्ष का, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कैलेंडर को 100 वर्ष की तो बात छोड़िए, मैं तो 500,000 वर्ष का कैलेंडर बना दूंगा एक ही पेज पर, उसमें से तारीख उस दिन की क्या होगी कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि 400 वर्ष का ही खेल होता है, उसमें उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, चाहे 500,000 वर्ष ले लो चाहे 1,000,000 ले लो, तो कितनी भी वर्षों के लिए आप मेंशन कर सकते हो, और छोटे छोटे बच्चों की नोटबुक पर आता है उस पर लिखा हुआ होता है पीछे के पृष्ठ पर 100 वर्ष का कैलेंडर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन, 1 लीप वर्ष में 2, 1 शताब्दी में 100 वर्षों के समूह में 5, 2 शताब्दी में 3, और 3 शताब्दी में 1, और 4 शताब्दी में 0, बात क्लियर आई या नहीं आई समझ में। चलिए अगर क्लियर आई है तो मैं एक और पॉइंट आगे बढ़ाता हूँ, मैंने बताया आज की क्लास में तो थ्योरी कराऊंगा, क्वेश्चन का तो एक का भी मतलब नहीं है, ठीक है, जिसकी थ्योरी कंप्लीट है उसका सब कुछ कंप्लीट है, कुछ भी नहीं है 2 पैसे का, किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी हो जाए नाम बदल देना भाइयों।
ध्यान से देखें आप आगे के लिए भाई, जितने लायक होते हैं यार इतना तो लायक और अनलायक मिला के बनता है। हाँ कुछ तो किया करो, बैठे ठाले बैठे ठाले कुछ तो किया करो। चलिए बढ़ू आगे, क्लियर है? हर छोटी छोटी बात को बता रहा हूं, किसी को भी छोड़ करके नहीं चल रहा हूं। क्लियर है? चलिए एक बात नोट करेंगे आप आज विशेष, किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम दिन रविवार होता है। मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है कि किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम दिन रविवार होता है, और शताब्दी लीप वर्ष का मतलब वह वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम दिन रविवार होता है, रविवार हुआ है, रविवार होता रहेगा जब तक पोप ग्रेगरी का कैलेंडर जिंदाबाद। और पोप ग्रेगरी का कैलेंडर का मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी कोरोना से, अगर मैं बच गया तो मैं फिर कैलेंडर बना दूंगा। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखना, किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम दिन सदैव रविवार होता है, हुआ है और होता रहेगा। क्योंकि आपको पता है जब जीसस क्राइस्ट के जन्म की हमने अभी बात की थी तो 1 जनवरी दिन सोमवार से शुरू की थी, तो उससे पहले जो 31 दिसंबर पड़ा होगा उसका तो रविवार ही हुआ होगा। तो किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर रविवार होता है, हुआ है और होता रहेगा, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल उठा रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहली शताब्दी लीप 400 से बात कर रहा हूँ मैं, 400 से विभक्त हो जाती है ना, अभी अभी बता दिया है ना मैंने आपको सब कुछ। तो पहली शताब्दी लीप ले रहा हूँ, जैसे मैंने पहली शताब्दी लीप जैसे कोई भी उठा ली, 1200 शताब्दी लीप है। मैंने यहाँ पर बोला 1200 शताब्दी लीप जो है इसका, मैंने यहाँ पर बोला कि इसका 31 दिसंबर क्या होगा सर, तो आपका जवाब होगा सर रविवार होगा। अब बताइए 1200 से अगली शताब्दी कौन सी होगी वर्ष, 1200 से अगली शताब्दी वर्ष होगी 1300, शताब्दी लीप नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1200 से अगली शताब्दी वर्ष बोल रहा हूँ, अभी शताब्दी लीप नहीं बोल रहा हूँ, 1300 होगी, होगी या नहीं होगी शताब्दी वर्ष। इसका 31 दिसंबर प्यारे बच्चों, एक शताब्दी में अभी अभी बताया विषम दिनों की संख्या 5 होती है, तो प्लस के हमने यहाँ पर 5 कर दिया और रविवार में 5 कर दिया, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति क्या हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है ध्यान से समझना। 1400 का 31 दिसंबर, फिर एक शताब्दी पूरी हो गई, प्लस 5 शुक्रवार में 5 जोड़ेंगे, 12 अगस्त 2000 का कौन सा डे, अतुल बंसल जी 1600 नहीं होगी, वो शताब्दी लीप की बात नहीं कर रहा हूँ, शताब्दी वर्ष, थोड़ा शब्दों की कद्र करो। शुक्रवार में 5 जोड़ेंगे, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। 1400 से अगली शताब्दी की बात कर रहा हूँ अतुल बंसल जी, 1500 का 31 दिसंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पर एक शताब्दी पूरी हो गई, 5 प्लस करेंगे, बुध में बृहस्पति शुक्र शनि रवि और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सोमवार, ध्यान से समझना। अब 1600 जो होगी ये शताब्दी के साथ शताब्दी लीप भी है ना, तो इसका 31 दिसंबर, अब यहाँ पर विषम दिन बेटा 5 नहीं होंगे, कितने होंगे 6, क्योंकि जो अंतिम वर्ष होगी ना 1600 में वो भी लीप होगी जो कि अभी बता के गया हूँ, तो सोमवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रविवार। अब यहाँ पर आप सोच करके देखिए, क्या सोच करके देखिए, 1200 शताब्दी थी 31 दिसंबर रविवार, 1300 का 31 दिसंबर शुक्रवार, 1400 का 31 दिसंबर बुधवार, 1500 का 31 दिसंबर सोमवार, 1600 शताब्दी लीप हो गई फिर रविवार हो गया। फिर एक बात बताओ 1700 आएगी तो फिर क्या हो जाएगा शुक्रवार।
1800 आएगी फिर क्या हो जाएगा, बुधवार। 1900 आएगी फिर सोमवार। और 2000 आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, रविवार। हैं, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? फिर 2100 आएगी तो क्या होगा, शुक्रवार। 2200 आएगी क्या होगा, बुधवार। 2300 आएगी क्या होगा, बृहस्पतिवार। फिर 2400 आएगी फिर शताब्दी लीप, तो फिर क्या हो जाएगा, रविवार। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से एक बात नोट निकल के आती है, वो क्या, वो क्या बात नोट निकल करके आती है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस बात को आप नोट कर लेना कि किसी भी, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, किसी भी शताब्दी वर्ष, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, अंतिम दिन है रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इनके अलावा कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी रविवार, सोमवार, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हो सकता है, है ना? परंतु बचे कौन कौन से दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। परंतु मंगल, बृहस्पति और शनि कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन रविवार, सोमवार, बुध और शुक्र हो सकता है, मंगल, बृहस्पति और शनि नहीं हो सकता है। और याद एक बात ध्यान रखना कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता है, मैं ये बात बोल रहा हूं, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। यानी कहने का मतलब आप ध्यान रखना, हिंदू धर्म में जिस दिन कड़ी नहीं बनाई जाती है, जैसे बेसन बोलते हैं, ना मंगलवार को बनता है हिंदू धर्म में, ना बृहस्पतिवार को बनता है, ना शनिवार को। तो आप ध्यान रखना, अपनी मम्मी जी से पूछ लेना, कभी भी भूल जाओ कि माता जी कौन सा दिन ऐसा होता है हमारे यहाँ धर्म में कि जिस दिन हम कड़ी या बेसन नहीं बनाते हैं। इसकी परंपरा मुझे पता नहीं है क्यों नहीं, लेकिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को कड़ी नहीं बनाते हैं, समझ रहे हो ना? तो जिस दिन हमारे हिंदू धर्म में कड़ी नहीं बनती है, उस दिन कभी भी वो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। बाद बाकी बचेंगे चार, वो सब हो सकते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। बात समझे या नहीं समझे? तो एक बात बताइए कि आज आपको क्लास कैसी लगी, कैलेंडर में मज़ा आया या नहीं आया? क्वेश्चन बिल्कुल भी एक भी नहीं कराऊंगा, कल से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। आप इसका आज रिवीजन करेंगे, नोटबुक बनाएंगे, समझ रहे हो? और कैलेंडर का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कभी भी आ जाए, कहीं से भी पूछ ले। तो पहले मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, और यार आप वीडियो को शेयर किया करो, देखो मज़ा तभी आता है जब ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूब पर प्रॉब्लम आ रही है कनेक्टिविटी जुड़ने में, जैसा कि आपको पता है यहाँ से नेटवर्क प्रॉपर होने के बावजूद भी काफ़ी दिक्कत आती है, तीन तीन चार चार बार में क्लास कनेक्ट हो पा रही है, जो टाइमिंग है उस पर मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। तो भैया वो मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अमेरिका संकट में है, अमेरिका यूट्यूब का रनर है वहाँ पर, और उसकी हालत ख़राब है, लॉकडाउन है, यूट्यूब के कर्मचारी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे होंगे, 480 के अलावा उससे ऊपर की कोई भी वीडियो उससे ज़्यादा पिक्सल में यूट्यूब पर नहीं चल रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि यूट्यूब का भी लॉकडाउन हो जाए, समझ रहे हो ना? और मेरा मानना तो ये है भाई, कोरोना वायरस के चक्कर में लगभग आज तक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिया, चलिए। मुझे तो ऐसा लगता है एक तरीके से आज की डेट में, आज की जो रिपोर्ट है उसमें 2 से 8 देशों में कोरोना पहुंच चुका है, और बचे कुल कितने, 14-15 देश। तो और अभी तक किसी पर वैक्सीन बनके तैयार नहीं हुई है, ये तो दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन बना ली है, लेकिन क्या वैक्सीन वो सक्सेस है, अभी इस बात की तो कोई पुष्टि नहीं है। मैं अपने घर पर बना के दावा कर दूं मैंने वैक्सीन बना ली है, लेकिन ठोक के देखा पता चला कि वैक्सीन ने कोई काम ही नहीं किया, तो उसका परीक्षण चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी देश पर वैक्सीन बना करके उसमें सफलता तो नहीं मिली है। तो मेरा मानना तो ये है कि ये कलयुग में एक भगवान का अवतार हुआ है, और मुझे तो अपनी हार्दिक इच्छा बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि इसकी दुनिया में दवाई बनेगी भी नहीं, और दुनिया में जब दवाई इसकी नहीं बनेगी तो ये विनाश करके जब अपना संपूर्ण एक तरीके से अवतार मानिए कलयुग का इस कोरोना को, मैं तो यही कहूँगा कि कलयुग का अवतार कौन सा भगवान, तो कोरोना। और कोरोना को कलयुग का अवतार मानने के साथ साथ लगभग
जब तक ये अपनी मर्जी नहीं कर लेगा तब तक ये खत्म नहीं होगा, और ये अपने आप ही चला जाएगा आबादी को खत्म करके। जितना भी अत्याचार बढ़ रहा है, जितना प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने ही आप शांत हो जाएगा। और ये किसी भी देश के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन जो है वो बनकर के तैयार नहीं होगी, ये अपने आप ऑटोमेटिक कि चाहे टेम्परेचर से मरे ज़्यादा से, चाहे ह्यूमिडिटी वातावरण में ज़्यादा होने से मरे। तो जैसे जैसे जिन जिन क्षेत्रों में मानसून के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ेगा या किसके अकॉर्डिंग ये मर रहा है, तो उसी हिसाब से धीरे धीरे अपने आप देशों में से ख़त्म होता चलेगा, और जब तक ये काफ़ी जनसंख्या को लपेट लेगा। तो मज़ा लीजिए घर पर ही, जब तक यूट्यूब चल रहा है चलाइए, यूट्यूब नहीं चल रहा है तो कुल मिला करके फिर मैं ऐसा कर दूंगा, व्हाट्सअप चल जाएगा तो वीडियो बनाऊंगा, व्हाट्सअप पे भेज दिया करूंगा ग्रुप में, पढ़ लिया करो यार, और क्या करूंगा बताओ। चलिए हाँ सारा सत्करणा जी, ये सही बोला है मैंने, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि अंदर से यही मेरी गवाही निकल रही है कि ये कलयुग में एक तरीके से कलयुग के भगवान आए हैं कोरोना, और ये जो है जब तक जिस विनाश को नहीं करेंगे तब तक ये नहीं जाएंगे, इनको इंसान अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता है। बाद बाकी जब इनका काम यहाँ धरती पर पूरा हो जाएगा, पृथ्वी पर, तो ये अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। तो अपना आराम से घर पर, कुछ नहीं है, मेरा मानना तो यह है कि यार सब बस ऐसे ही, अब पूछो मत आप, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बात अगर कही जाती हैं तो इंसान को सुनने में थोड़ी कड़वी लगती है, जो सच्चाई होती है तो इंसान उसमें सामने वाले को बुरा बना देता है। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि कोरोना पर मैं बहुत सारी अपडेट देने वाला था, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट मैंने निकाले, बहुत कुछ, लेकिन केवल किस बात के लिए नहीं दिए, इसी बात के लिए नहीं दिए कि इस वीडियो में ये कह दिया सर ने, वो कह दिया, लेकिन यार दिल मानता नहीं, और मुझे अधिकार भी है वैसे, संविधान के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का अधिकार है, मुझे कहूँगा भी, किसी का मान हानि ना हो, जिस दिन दिमाग बदल जाएगा उस दिन कहूँगा, कोरोना पर बहुत लंबी बात करूँगा, पूरा डाटा दूंगा। चलिए तो फिर मिलते हैं, कनेक्टिविटी जुड़ पाई तो अगली क्लास हमारी 4 बजे से होगी, जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री हम उसमें पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का ओवरव्यू हमने दे दिया है हमको क्या क्या पढ़ना है, और मेडिवल इंडिया आज से हम शुरू करेंगे, और बने रहिए, देखना, वेट करना, कनेक्टिविटी जुड़ पाती है तो ज़रूर 4 बजे आऊँगा मैं, अगर नहीं जुड़ पाती तो आप भी कर और मैं भी कर, आराम से मजे लीजिए, पकौड़े बनाइए, चीला बनाइए, खाइए आराम से, कूटू के आटे के साथ खाइए, देसी घी में आलू। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर।